the immune mechanism. For example, हेलो गाइस, वेलकम टू ब्लॉग। एक और वीडियो आपको स्वागत करते हैं। आई एम में यादव, फिफ्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रसिया, और वापस मैं अपने यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लिया हूँ फिफ्थ ईयर में, क्योंकि घर गया था समर के टाइम में और वापस आ गए। क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, तो पहला मेरा जो साइकिल लगा उसमें पहला क्लास जो था मेरा इन्फेक्शियस डिजीज़ का साइकिल था और क्लास थी। तो आज मेरा पहला क्लास था इन्फेक्शियस डिजीज़ का, काफ़ी अच्छा रहा। और देखते हैं, 7 या 8 दिन का ये साइकिल है, और थोड़ा सा ये डिपार्टमेंट क्या बाकी हॉस्पिटल से जो डिपार्टमेंट है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी बहुत सारी क्लासेस एक साथ लगती थी, पर इनका जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग अलग है। इन्फेक्शियस डिजीज़ का बिल्डिंग हमेशा हर जगह अलग होता है, इसलिए क्योंकि जो इन्फेक्शियस डिजीज़ का क्या होता है कि डिजीज़ स्प्रेड होने का चांसेस अलग होता है यहाँ पे। तो इसलिए क्या करते हैं, जिस भी कंट्री में जाओ पढ़ने के लिए, इंडिया हो चाहे किसी भी जगह हो, तो वहाँ पर क्या हुआ, डिपार्टमेंट एक जगह नहीं होते हैं। वो इन्फेक्शियस डिजीज़ का डिपार्टमेंट अलग बनाए होते हैं और उसको कनेक्ट किया जाता है बाकी पेशेंट के साथ, और अलग अलग पेशेंट को अलग अलग डिजीज़ के बेस पे, जैसे अगर किसी को वायरल फीवर है तो उसको उसका फ्लोर अलग होगा, सब कुछ अलग होगा। और टीवी वगैरह है तो उनका क्या है, वो अलग अलग फ्लोर पे रहेंगे, तो उसका मतलब अलग ट्रीटमेंट चलता है, और उनको बाकी पेशेंट के साथ कनेक्ट नहीं करते हैं, दूर रखते हैं, ताकि एक पेशेंट को दूसरा डिजीज़ ना हो सके, स्प्रेड ना हो सके, ये सब चीज़ों को। तो ये क्लास काफ़ी ना इंटरेस्टिंग है, और काफ़ी मतलब बहुत कुछ डिफरेंट कुछ सीखने को भी मिलेगा आपको इसमें। तो फिफ्थ ईयर का ये पहला जो मेरा साइकिल था बहुत इंटरेस्टिंग है। बाकी मेरे हिसाब से तो फिफ्थ ईयर का बहुत सारे साइकिल हैं जिसमें आप बिल्कुल भी क्लास मिस ना करो, स्पेशली जो स्टूडेंट जूनियर से मेरे जो वीडियोस देखते हैं उनके लिए। बाकी मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी क्लास जाओ, हर क्लास जाओ, हर क्लास ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि आज मेरी एक टीचर ना जो टीचर थी उसके क्या बोलते हैं ये इन्फेक्शन डिजीज़ का, उन्होंने ये कहा कि अगर आपको अच्छा डॉक्टर बनना है तो आपको टीचर के साथ और पेशेंट के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ बुक्स पढ़ने से आपको नॉलेज मिल जाएगी पर आपको वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा एज अ डॉक्टर, एज अ मेडिकल स्टूडेंट। तो वो करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो गाइस यहाँ विंटर मतलब आने को है, अभी तो हुडीज़ में काम चल जा रहे हैं थोड़े थोड़े। मैंने अंदर शर्ट डाल लिया था, शर्ट के बाद ऊपर से हुडी डाल लिया था, क्लास में जाने के बाद हुडी मैंने निकाल दिया था, बस लैब कोट वगैरह डाल लिया था। तो ऐसे चल रहा है अभी यहाँ तो फ़िलहाल, बट थोड़ी थोड़ी धूप है, कुछ दिन की मेहमान है ये। 4-5 दिन बाद ये धूप ख़त्म हो जाएगा और फिर मौसम पूरा ढल जाएगा, स्नोफॉल वगैरह आने लग जाएगा। तो फिफ्थ ईयर का फर्स्ट डे काफ़ी स्पेशल रहा, और स्पेशली एनीवे चलते हैं यहाँ से। क्लास ख़त्म हो गई, थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे, भूख लग रही है, घर पर खाने का भी कुछ तो है नहीं। सुबह लेट उठा था थोड़ा मैं, तो अभी मैं जाऊँगा, थोड़ा शोरमा वगैरह खाऊँगा, फिर देखते हैं।